सबसे पहले उसने अपनी वालदा को मारा है घर में। अच्छा। उसके घर मजदूर लगा हुआ था, उसने पूछा है कि भाई क्या हुआ है, तो इसने उसको भी मारा है। शुरू से ऐसा नहीं था, ठीक है, पढ़ा लिखा समझदार, ना किसी से बदतमीजी, ना किसी किस्म का किसी से झगड़ा, ना कोई ऐसी वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। बिल्कुल ठीक, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। अच्छा। नमाज पढ़ता था, तलावत करता था घर में, ना बाहर जाता ही नहीं। तो एक बुजुर्ग था, वो खेतों में ये चारा मतलब बना रहा था अपनी भैंसों के लिए, उसको भी इसने जाके मारा है, वो भी हॉस्पिटल में था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां असलान और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल शेखुपुरा के इलाके में एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आता है। एक पढ़ा लिखा नौजवान 8 अफराद को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल करता है और कत्ल करने की वजूहत अभी तक सामने नहीं आई। आज मैं उस लड़के के घर में मौजूद हूँ और उस शख्स के साथ जो उसको बड़ी बाखूबी जानता था कि उसका क्या करदार था माशरे में और उसकी पढ़ाई कैसी थी, उसका अपने वालदैन के साथ सलूक कैसा था और ये कब से इस तरह का साइको हुआ कि वो लोगों को मारना शुरू हो गया। आप भी इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये आम मसाइल थे क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम आपका? नबील अहमद। अच्छा नबील भाई, मुझे ये बताएं कि ऑफ द रिकॉर्ड आपने हमें ऐसी बातें बताई कि जिससे रोंगटे खड़े हो गए। ये बताइएगा कि ये शख्स शुरू से ही ऐसा था या अभी हुआ, किस तरह इसने ये काम शुरू किया? शुरू से ऐसा नहीं था, ठीक है, पढ़ा लिखा समझदार, ना किसी से बदतमीजी, ना किसी किस्म का किसी से झगड़ा, ना कोई ऐसी वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। बिल्कुल ठीक, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। अच्छा। नमाज पढ़ता था, तलावत करता था घर में, ना बाहर जाता ही नहीं। इसके दोस्त? कोई भी नहीं, दोस्त इसका कोई नहीं। अच्छा। कभी नहीं हमने देखा कि कोई इसको मिलने आया हो या किसी के पास रुका हो, कुछ भी नहीं है, कभी नहीं देखा, ना इसका कोई दोस्त था। ठीक है। अच्छा, ये कब से ऐसे हुआ है कि लोगों पर तशद्दुद करना इसने शुरू कर दिया? ये सुना है तकरीबन 3 माह पहले की बात है, इसने अपने वालिद साहब की कब्र खोदी है, तो वहाँ से ही मेरे ख्याल में उसके बाद जो है ना ये नहीं, फिर सही सेहत में था ये। अच्छा। वीक होता जा रहा है, बस दिन ब दिन जो है ना ये। अच्छा, ये 3 माह से उसकी रूटीन कैसी थी और कब उसने लोगों को ज़ख्मी करना शुरू किया? ज़ख्मी उसने किया तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात। सबसे पहले किसको किया? सबसे पहले उसने अपनी वालदा को मारा है घर में। अच्छा। उसके घर मजदूर लगा हुआ था, उसने पूछा है कि भाई क्या हुआ है, तो इसने उसको भी मारा है। अच्छा। लेकिन वो भाग गया आगे, लेकिन इसकी वालदा इधर गिर गई थी। अच्छा। वालदा जब गिरी या उसका ब्लड निकल रहा है, कोई भी यहाँ पे नहीं आया अंदर, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई आगे होकर देखे। अच्छा। तो 2 घंटे के बाद इसके चाचू लोग आए हैं वो कोर्ट से, वो लेके गए हैं हॉस्पिटल, तो अब उसकी वालदा मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने किसको जख्मी किया? उसके बाद उसने लोगों को बाहर गली में निकाल, 8 अफराद उसने कत्ल किया, उससे पहले उसने जख्मी भी किए? उससे पहले उसने 8 अफराद को जख्मी किया है। अच्छा। जो जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी। अच्छा अच्छा। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब वो घर में आया है, दाखिल हुआ है, उसने उसके घर वालदैन ने उससे क्या नोट किया है कि उसमें किस चीज़ें की कोई कैफियत उसकी कैसी थी? ये सर पता नहीं है, लेकिन हमने जब सुना है वो उसने अपनी माँ को मारा है, चोर बाहर जाकर उसने लोगों को फिर मारना शुरू कर दिया, तो टीचर अपने को मारा सर को। उसने मारा है तो आपने लोगों को क्या कहा है, क्या प्लानिंग आपने की थी तब? मैं सर लास्ट पे आया, जब उसने 2 लोग मेरे सामने जो है जिनको ना उसने जख्मी किया, मेरे पहले जो है ना वो उसने तकरीबन 6 लोगों को जख्मी कर दिया। जब मैं आया हूँ लोगों ने मुझे बताया कि ये पागल हो गया, हम आए हैं उसके पास, ये उसने पकड़ी हुई थी हाथ में, हमारी तरफ आया मारने लगा हमें। अच्छा, ये मारने लगा, ये मारने लगा था हमें, और फिर हम आगे से ये सब लोग खड़े थे, मैं इनके पास चला गया हूँ, मैंने इनसे पूछा जाकर, मैंने कहा क्या हुआ, ये क्यों कर रहा है, आपने मारा है इसको? तो कहते हैं नहीं, ये पागल हो गया, इसने काफ़ी लोगों को मारा है। जब मैं वापस आया हूँ, सर जुबैर साहब को मार रहा था, उनके सर में इसने मारा है, बहुत इज्जत करता था उनकी, हाथ चूमता था उनके, उसी सर को मार रहा था। अच्छा। तो एक बुजुर्ग था, वो खेतों में ये चारा मतलब बना रहा था अपनी भैंसों के लिए, उसको भी इसने जाके मारा है, वो भी हॉस्पिटल में था, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो ठीक है। अच्छा, आपने जब लोगों को कहा कि इसको रोकें, आपने किस तरह प्लानिंग की कि इसको इसकी वालिदा को? कोई भी इसको पकड़ नहीं था रहा, सारे डर रहे थे। अच्छा। तो सारे गांव के लड़के इधर बाइट जमा थे, मैंने सबको कहा, मैंने कहा यार ऐसे उसके पास कुछ भी नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा है ना एक, किसको मारेगा, सारे पकड़ो इसको। हमने पकड़ के 15 पे कॉल की है, पर्सनल नंबर पर ऐसे ही कॉल की है, भट्टी नाम का कोई ऐसे ही है, तो कोई भी नहीं आया। बहुत कॉलें की है, तकरीबन 3-4 बजे से लेके 8 बजे तक हम लेके उसको बैठे रहे हैं, फिर जिनके लोगों को उसने ज़ख्मी किया था उनके लोगों को हमने पकड़ा दिया कि ये आप जानो और आप ये जाने, पुलिस वाले नहीं आए। ठीक है, अगर पुलिस वाले आ जाते तो आज ये वाकया ना होता।
तो नाज़रीन आपने उस शख्स की बात सुनी जिसका ये अहम करदार था इस मामले में कि लोग जितने भी कत्ल हुए हैं काश ये कभी कत्ल ना होते। नाज़रीन इनका कहना है कि हमने पुलिस को 15 पर कॉल की लेकिन पुलिस का ये वतीरा है, ये इनकी 15 कॉल्स पर जाने के बावजूद भी वो ना आए। अभी मैं तो कहता हूँ इनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए बल्कि इनको कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए और वज़ीरे आला साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं अभी उस घर में मौजूद हूँ और उस शख्स के साथ जिसका इस गांव में उसके घर में के साथ ये रहते हैं कहीं, और इनका बहुत अहम करदार, इसने अपनी पूरी कोशिश की, इसने लोगों को कहा कि खुदारा इसको पकड़ें और इसको रोकें और 15 पर कॉल की लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई। अगर पुलिस टाइम पर आ जाती और अपनी कार्रवाई करती तो ये कभी भी ना होता जो आज हो चुका है। यहाँ तक कि 8 अफराद को कत्ल कर दिया है, उन 8 अफराद के कुछ भाई बहन और माँ बाप और यहाँ तक के पूरे ख़ानदान को उसने तबाह व बर्बाद कर दिया है। तो नाज़रीन आपने इस भाई की गुफ्तगू सुनी, ये बता रहे थे उसके मुतल्लिक़ कि उसका चाल चलन कैसा था और उसके घर में किस तरह आया और उसने अपनी वालदा के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।